हेलो भाई, मैं हूं विनीत। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। सबसे पहले भाई सॉरी, तुम्हारे भाई की लुक एकदम खराब हो रही होगी, खस्ता एकदम। सुबह 8 बजे से इवेंट पे लगे हुए हैं तो वो आप जज मत करना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक प्रॉमिस किया था, अपने पास एक ब्रियो गाड़ी जिसके अंदर मतलब इतना इशारा काफी, टॉप नोज काम हो रखा है, एग्जॉस्ट ट्यूनिंग मतलब इंजन तक रिप्लेस हो रखा है, और उससे ज्यादा क्या बताऊं। और पीछे आप देख सकते हो एक बार, मतलब रोल केज, रैली सीट्स, फायर एक्सटिंगशर, सब कुछ चीज़ों से आप गैस लगा सकते हो कि गाड़ी के अंदर किस हिसाब की मॉडिफिकेशन और किस हिसाब का पैसा डला हुआ है। तो सबसे पहले ये अपने खास भाई है, कैसे हेलो, भाई? हेलो, बढ़िया भाई। नाम बताओ सबसे पहले अपनी जनता को। नील नाम है मेरा। हाँ जी, और गाड़ी का सबसे पहले बताओ क्या गाड़ी का नाम है, कौन सी ईयर का वेरियंट है ये? 2013 की ब्रियो है। और ब्रियो है 2013। हाँ। अब थोड़ा पहले इंटीरियर में बैठे हैं। हाँ। इंटीरियर से बात करते हैं, इंटीरियर से बताओ। जैसे ये तो सिंपल पेंट वेंट आपने बेसिक ब्लू यहाँ पे टच कराया हुआ है, पेंट टास्क को। ये गाड़ी का किल स्विच है, ये एक क्लिक के अंदर पूरी गाड़ी का इंजन कट ऑफ कर देता है, सारी इलेक्ट्रिकल बैटरी पावर। हाँ हाँ। एक कट में इन केस ऑफ इमरजेंसी कट करके पूरी पावर बंद हो जाती है कार की। हाँ। और गाड़ी में फुल रैली प्रेप हुआ हुआ है, फुल कस्टम रोल केज है। उसके अलावा पीछे आप देख सकते हो पूरी गाड़ी में रोल केज डाला हुआ है, फुल कस्टम एग्जॉस्ट है, कोनिकल एयर फिल्टर डाला हुआ है बीएमसी का। उसके अलावा 1.5 होंडा सिटी का इंजन है इसमें। इंजन रिप्लेसमेंट की क्या स्टोरी है, पहले तो ये बताओ क्या मन में क्लिक करी आपके बाद कि भाई मेरे को इंजन रिप्लेस करना चाहिए। तो बेसिकली मैं 2-3 साल से प्रोफेशनल स्टॉक कैटेगरी में कम्पीट कर रहा था ऑटोक्रॉस में। हाँ जी। तो उसके बाद ईयर्स बाय ईयर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ओवरऑल के लिए कम्पीट करना है, तो आई थॉट कि इंजन अपग्रेड करने से ही वो हो पाएगा। तो बेसिकली मैंने अपना इंजन अपग्रेड किया है उसके बाद, ताकि आई कैन फाइट फॉर अ बेटर पोजीशन बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी। सो ये आपका मेन रीजन था। यस। तो अब आपका 1.5 लीटर का इंजन है। 1.5 लीटर 2013 होंडा सिटी का इंजन है इसमें। हाँ हाँ। और उसकी पावर है कुछ स्टॉक है या ट्यून्ड है? अभी स्टॉक डाला हुआ है, अभी इवेंचुअली ट्यून किया जाएगा। अभी है अबाउट 120-125 हॉर्स पावर। इस गाड़ी के अंदर वेट ही नहीं अब तो। अब वेट ही नहीं है, लाइट वेट हो गई है। हाँ। उसके बाद पावर अपग्रेड हुआ हुआ है। और एग्जॉस्ट वगैरह से भी 10 हॉर्स पावर का बूस्ट आता है, 2-4 फिल्टर से आ जाता है। वो कहते हैं ना गला खोल दिया, पहले गला बंधा हुआ था, गला खोल दिया, तो वो वाली बात है। बाकी इस गाड़ी के अंदर एसी वीसी नाम की कोई चीज नहीं होती है, आपको पता ही है। जब रैली की बात आती है तो गाड़ी का लाइट वेट करने की वजह से ना ही गाड़ी के अंदर एयरबैग है। एयरबैग नहीं है, नहीं है, निकाल दिए जाते हैं। ये रोल केज है ना सबसे बड़ी चीज, ही सारी सेफ्टी होती है। इन केस ऑफ टोपल कुछ भी, रोल केज पूरी गाड़ी को चेसी को स्ट्रेंथन करके रखता है और स्टिफ करता है। इन केस ऑफ एनी रोल ओवर, एनी इमरजेंसी, रोल केज ही बचाता है गाड़ी को। आपका कोई इंस्टा पेज बताओ ताकि जनता आपसे कनेक्ट भी कर सके, मोटिवेट होने को मिले कि भाई इंडिया का यूथ इतना आगे कैसे जा रहा है। यू कैन फॉलो मी ऑन स्पीड डीमन 42। ओके। अच्छा, मेरा जो मेन कंसर्न मैं बताता हूँ, सेफ्टी इस गाड़ी के अंदर दो है। एक इस जो सीट है ना, ये आम सीट नहीं है, मतलब तीन तरीके से सीट बेल्ट लगती है इसमें, तीन या चार? चार, चार साइड से आती है, दो ऊपर से आती है, तो चार 5-point हार्नेस कहते हैं सर। हाँ हाँ। क्योंकि नीचे एक ये होता है, इसके साइड में राइट लेफ्ट ऐसे दो हुक आते हैं राइट लेफ्ट से। हाँ हाँ। उसके बाद आ गए हमारे ऊपर वाले हार्नेस। तो बेसिकली जब हम ड्राइव करते हैं तो हम पूरा टाइट होके बैठते हैं, दो यहाँ पे लगेंगे, एक यहाँ लगेगा, समझ फुल टाइटन्ड अप। आप चाहे गाड़ी कितने ही इन केस नहीं हो, हाँ, कुछ भी हो, रोल केज सेफ्टी करेगा। और आपकी जो प्लेसमेंट है, आप जब सीट से ऐसे भी नहीं लोगे तो आप सेफ हो। एग्जैक्टली। और ना आप एयरबैग की जरूरत क्यों पड़ती है, हम आगे जाते कई बार सीट बेल्ट, अब हम हिल ही नहीं सकते, 5-5 तरीकों से बांध लिया, जकड़ लिया तुम्हें सीट ने, तो यार सेफ्टी बहुत मेन कंसर्न है। सेफ्टी से याद आया, अब ये फायर एक्सटिंगुइशर के बारे में बताओ। तो ये फायर एक्सटिंगुइशर ऐसा होता है कि जब कार रैली प्रेप होती है तो उसके बाद इमरजेंसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, गाड़ी में इतनी चीजें छेड़ी जाती है, हीटिंग इशू एंड ऑल, हीटिंग इशू कुछ भी हो जाए, इन केस ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे क्लैंप होता है, तो ये सिंगल रिलीज होता है, इसको ऐसे क्लच करके खींचोगे तो ये एक बारी में एक क्लिक में फायर एक्सटिंगुइशर बाहर आ जाता है। तो इमरजेंसी में ये को ड्राइवर की सीट के जस्ट नीचे प्लेस किया जाता है कि को ड्राइवर भी पहुंच पाए वहां तक और ड्राइवर भी पहुंच पाए। ये तो है। अच्छा, इसके अंदर वो ये सब क्या है? ये रैली हॉर्न है कि ये इस तरीके से लगाया हुआ है हॉर्न कि ये हॉर्न अब नहीं दबता है। अच्छा। तो ये हॉर्न नहीं दबता है जब, तो इसकी वायरिंग यहाँ से देखिए ये कर दिया, ताकि रैली में कभी कभी क्या होता है कि ओवरटेक लेना होता है आगे वाली कार को, जब आप कैचअप करवाते हो तो आपको आगे से ऐसे वो हॉर्न दबाना होता है कि
यू आर आस्किंग फॉर स्पेस बेसिकली, अगर आगे वाली गाड़ी को कैचअप कर लेते हो तो ये को ड्राइवर के लिए एक्सेसिबल रहता है हॉर्न यहाँ से. अच्छा, एक मेरा मेन कंसर्न, मैंने एक जैसे और गाड़ी का किया था रैली, उसके अंदर एक ऐसा फीचर था कि एक ऐसा बटन था जिसको आप प्रेस करोगे तो इमीडिएटली वो आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन प्लस एम्बुलेंस हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड हो सके. तो वो कुछ आपने करवाया? फ्यूचर में प्लान है वो कराने का, अभी तो नहीं है करंटली, बट मतलब बिल्डिंग है. हाँ, अभी बिल्ड स्टार्ट हुआ है, इसी साल रैली स्टार्ट करी है, 6 महीने हुए हैं ऑलमोस्ट कार को बिल्ड हुए. धीरे धीरे करके मैं एक एक करके अपग्रेड करता हूँ ताकि मुझे समझ आए कि अपग्रेड से गाड़ी को फायदा क्या हो रहा है. तो मैं जो चीज कर रहा हूँ वो वर्थ इट है, वर्थ इट है या नहीं. तो ऐसे हर एक अपग्रेड का गाड़ी पे फर्क पता लगता है, खुद की डेवलपमेंट समझ आती है कि वो पार्ट डालने से गाड़ी क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ. अच्छा, आपने ये ब्रांड न्यू ली थी गाड़ी? हाँ. नहीं, गाड़ी मैंने सेकंड हैंड ली थी आज से 2-3 साल पहले, और उसके बाद पहले स्टॉक चलाई, धीरे धीरे करके एक एक करके मैंने पार्ट अपग्रेड किया इसमें. तो उस टाइम आपको गाड़ी की कॉस्टिंग क्या पड़ी थी स्टॉक गाड़ी? कहीं ना कहीं 2-2.10 लाख. तो मोटा मोटी चलो 2.5 मान लेते हैं, 2 मान लो चाहे 2 मान. तो उसके बाद अब आपने कितने 2 लगा लिए इसके अंदर, इस गाड़ी को बनाने में अब तक, और आगे का तो प्लान मैं समझ गया आपके अभी है. तो 2 में 2-2 जोड़ते जाओ, उतने 2 हो गए. कितने 2? 10 तक हो गए? 10 तो नहीं हुए, बट कहीं ना कहीं 6-7 तक तो बात पहुंच गई. 6-7 मायने रखते हैं, मतलब गाड़ी की कीमत आपने 4 गुना कर दी है, किस्म से 8 लाख की बना दी. जी जी. और ये 8 लाख एक रुपए की वैल्यू नहीं होती, एक गाड़ी से जो सेंटीमेंट होता है, जो अटैचमेंट होती है, रेस कार है ये. लोगों की जैसे बंदियों से अटैचमेंट होती है ना, हम जैसे लोगों की जो आपको कंटेंट ये बना के दिखा रहे गाड़ी की, हमारी गाड़ियों से अटैचमेंट है. तो वो हम आपको चेकआउट कराते हैं, भाई क्या फील है यार. 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो अंदर गट्स होनी चाहिए और एक पैसा होना चाहिए, दोनों चीजें बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. गट्स है, पैसा नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे. वही बात है, स्पोर्ट मनी माइंडेड है, कुछ भी कह लो, कैसे भी कह लो, बट मनी की रिक्वायरमेंट तो है स्पोर्ट में. ये तो है ही भाई. और बाकी कुछ अंदर से इतना नहीं है जितना मेन था, हमने बता दिया. ये तो है ही. अब भाई ने स्टेयरिंग पे अल्कंटारा वगैरह सब नहीं करवाया? नहीं, शौक नहीं. मैं गाड़ी का मैं कॉस्मेटिक से ज्यादा ट्राई करता हूँ कि इंजन परफॉर्मेंस मैकेनिकली गाड़ी रिपेयर होते रहे, फिट रहे गाड़ी. कॉस्मेटिक पे मैं बेयर मिनिमम स्पेंड करता हूँ अभी. इच्छा तो बहुत है, बट फिर वही बजट भी मैटर करता है. तो इन दी एंड मैं कॉस्मेटिक मिनिमल से मिनिमल करता हूँ, बट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आई कीप माय कार फिट. बाकी एक और बात, अल्कंटारा का मेन यूज क्या रहता है? मैंने मोस्टली गाड़ी का रिव्यू करा है, तो उनका कंसर्न ये रहता है, एक तो फील अच्छा आता है, एक उसकी ग्रिप, ग्रिपिंग. अब ग्रिपिंग की भी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो मैं बात करता हूँ उसके बाद जो पॉइंट आता है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ. एक्सटीरियर से गाड़ी की कुछ ऐसी कुछ लुक बनती है कम्प्लीट, आप देख सकते हो. अभी जैसे भाई ने राउंड वगैरह लिए थे तो उस वजह से थोड़ी गाड़ी गंदी हो गई, मिट्टी वगैरह लगी हुई है ये. बाकी तो आपको पता ही है, सब अपना ब्लड ग्रुप क्यों लिखवाते हैं गाड़ी पर. भाई एक्सटीरियर से क्या क्या है, क्लिपर्स वगैरह हैं, ये बूट क्लिप्स और आगे बोनट क्लिप्स लगी हुई है इसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए, पीछे बम्पर गिरे ना, और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है बेसिकली उसके लिए. मड क्लैप्स लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा मड क्लैप्स लगे हुए हैं, और बोनट पिंस हैं ये सिक्योर करने के लिए एक्स्ट्रा. एंड व्हाट अबाउट द टायर्स? टायर्स इसमें MRF की डर्ट स्पिक टायर्स लगे हुए हैं, परमानेंट यही रहते हैं ये, रेस के टाइम पे ये लगाते हैं, वरना उस टाइम नॉर्मली जब रोड्स पे चलते हैं तो स्टॉक टायर रिप्लेस हो जाता है. और जब भी इवेंट होता है तो वी पुट स्पेशल टायर्स, कंपटीशन टायर्स वो कहते हैं ना, ओकेजनली चलता है. तो वो वाला हिसाब किताब. बाकी आप गाड़ी के एक्सटीरियर लुक देख सकते हो, और ये जो प्लेस है ये मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट फॉर अपना एयर इनटेक बोल लो, एसी के लिए, एसी टाइप हो गया है. रैली में उसमें हम शीशे नहीं खोलते, ऊपर वेंट बना हुआ है तो उससे हमें हवा लग जाती है, जैसे जैसे कार आगे जाती है मैकेनिकल है. और इसका एयर फिल्टर वगैरह भी चेंज है? हाँ. वो कौन सी ब्रांड का है? BMC का एयर इनटेक है. तो सही है. बाकी आने वाले टाइम में 2 प्रोडक्ट्स भाई ने बताए, 2 चीज़ें, ट्यूनिंग और एक वो बटन एमरजेंसी बटन. Exactly. वो तो भाई बहुत जरूरी है इन जैसे केस में. अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है ओपन हो गई थी. हाँ, तो ऐसा कुछ गाड़ी का कंप्लीट है. बाकी आपको कुछ कमी लगती है भाई, आपने इतना पैसा लाया, कुछ अब भी रह गया इसमें? बस ट्यून हो जाएगी तो परफेक्ट है, बाकी तो कोई कमी नहीं है, गाड़ी परफेक्ट है, काफ़ी काम हो गया है. हाँ. ट्यून हो जाएगी तो थोड़ा पावर बैंड और इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली, बस. और कोई कमी नहीं लगती? नहीं, और कार इज गुड. अच्छा, मैंने ये सुना है मोस्टली पोलो नेक्स्ट लेवल है. एग्जैक्टली. तो आपने ब्रियो को क्यों चूज किया, उसका कोई एक छोटा सा रीजन? या ब्रियो हैंडल साइज का कार्ड बेसिकली. हाँ. तो पोलो की अपनी स्पेशलिटी है और ब्रियो की अपनी है. हाँ. दिस हैज अ स्मॉलर व्हील बेस प्लस इसकी हैंडलिंग बेटर है, मतलब आई प्रेफर इट्स हैंडलिंग बेटर.
आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका भी हुई है। मैं डेली ड्राइव में पोलो भी चलाता हूँ, मेरे पास एक पोलो भी है, बट आई प्रेफर ब्रियोन ट्रैक बेसिकली। ट्रैक पे आपके लिए पोलो आल्सो, पोलो से कोई वो नहीं है, वो भी स्टेज 2 है शायद पोलो। हाँ पोलो भी स्टेज 2 है मेरी। बता जो डेली ड्राइविंग कार है वो भी बाइक की स्टेज 2 है, तो देखो भाई किस हिसाब की क्रेजी ड्राइव करते होंगे और फन टू ड्राइव वाला सीन है वो। उसकी कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है? दैट इज 146 हॉर्स पावर अप्रोक्सीमेटली एंड 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग डीजल टर्बो। बाकी हमने भाई का इंस्टा पेज आपको बता ही दिया है, और कुछ नहीं करना, गाड़ी की इतनी डेडिकेटेड एक प्रॉपर रिव्यू बनाया है, तो आपको क्या करना है भाई? क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ? लड़की से दो धोखा खाने बाद क्या करेंगे? वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, मोटिवेट हो। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो उन दोस्तों को शेयर करो जो मोस्टली कार्स के अंदर है, जिनको ऐसी मॉडिफाइड करना गाड़ियाँ पसंद है। और ये मोस्टली कल्चर केरला में ज़्यादा है मेरे, अपने ऑल ओवर इंडिया में केरला में ज़्यादा है ना, में काफ़ी मॉडिफिकेशन कल्चर, और वहाँ पर तो इम्पोर्ट भी हो रही है गाड़ियाँ। एग्जैक्टली। ओके भाई, थैंक यू भाई।